आधी आबादी के लिए ये किसी शुभ समाचार से कम नहीं है। अब रोजगार के रास्तों पर उम्मीदों की बसें चलाने की बारी है। जी हाँ, यूपी में अगर रोडवेज बसों की स्टीयरिंग थामे कोई महिला दिखे तो हैरान न हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने रोडवेज बसों में महिला ड्राइवरों की भर्ती की तैयारी की है। महिला ड्राइवरों के साथ कंडक्टर भी महिला ही होगी। बलिया में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने महिलाओं के लिए स्पेशल बसें चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है, इस बसों में ड्राइवर से लेकर कंडक्टर तक सभी महिलाएं होंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात कही थी, यात्रा में उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन पिंक बस चला रही है। जो पिंक बस में हम लोगों ने अभी किया है कि उसमें सब महिलाएं यात्रा करेंगी, मैंने उन्हीं को हमको ड्राइवर रखना है, उन्हीं को कंडक्टर रखना है, तो ऐसी महिलाएं आए और तो मैं उनको जो है हमारे यहाँ अवसर मिलेगा। सरकार का ये फैसला जहाँ रोजगार के रास्ते खोलेगा, वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाएगा। इसके साथ ही रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी सरकार का ये फैसला एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है।